दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुरातन स्थल की जो हमारे कल्पना से भी ज्यादा पुरानी जगह है। हम आज बात कर रहे हैं भीमबेटका पुरातन स्थल की। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इन पेंटिंग्स को पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह से पुराना कुछ भी नहीं है। इन गुफाओं में प्राकृतिक शीतल हवा सुकून से बहती है। दरारों में से चमगादड़ों के चहकने का शोर भी होता है। यहाँ आदि मानव ने चित्र उकेरे हुए हैं, जो हमें हजारों साल पीछे की दुनिया में ले जाते हैं, जो आज भी सपनों की लगती है। इस जगह को भीमबेटका इसलिए भी कहा जाता है कि इसका संबंध पांडवों के अज्ञातवास काटने से जुड़ा है। कहानी कुछ यूँ है कि महाभारत काल में जुए में शकुनी से हारने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ वनवास काटने निकल पड़े। दुर्योधन की शर्त के मुताबिक उन्हें 12 साल तक वन में ही रहना था, 1 साल अज्ञातवास भी काटना था। उनका वनवास तो कट गया, लेकिन उस अज्ञातवास का 1 साल उनके लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। ऐसे में पांडव विंध्य के पहाड़ों से घिरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो उनकी दृष्टि में सबसे सुरक्षित ठिकाना साबित होता था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर पांडव ने पहरा देकर अज्ञातवास का अधिकांश हिस्सा काटा था। भीम, जो सबसे भारी भरकम शरीर के थे, वही स्थान पर आके ध्यान करते थे और इसीलिए इसका नाम भीम बैठका भी पड़ गया। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1919 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से डिक्लेयर कर लिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 8000 पहले आदि मानव ने खेती करना और जानवर को पालना शुरू किया, और जो कुछ देखा उसमें से कई चीजों को यहाँ उकेर दिया। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी का ही चित्रण है। यहाँ की 7 पहाड़ियों में से भीमबेटका की पहाड़ी पर तकरीबन 700 से अधिक रॉक शेल्टर पाए गए हैं। ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों को दिखाते चित्रों को संरक्षित कर लिया है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विध्वांचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। इसके दक्षिण में सातपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। यहाँ 600 रॉक शेल्टर है, जिसमें से 275 रॉक शेल्टर पेंटिंग से सुसज्जित है। ये बहुमूल्य धरोहर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारियां मिलती है। यहाँ के चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल,
सफेद और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी शामिल है। इन पेंटिंग्स की अंदरूनी सतहों का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि ये करीबन 1 लाख वर्ष पुरानी है। इन पेंटिंग्स में दैनिक जीवन की घटनाओं को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया गया है, जो हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाती है। इन चित्रों में मुख्यतः नृत्य, संगीत, घोड़े और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में पेंट किया गया है। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव ने संगतात्मक विकास का एक कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। हाल ही में होशंगाबाद के पास बुदनी के एक पत्थर खदान में भी इसी तरह की शैल चित्र पाए गए। भीमबेटका जैसे ही प्राचीन और रहस्यमय स्थल जैसे कि एलोरा की गुफाएं, कोणार्क सन टेंपल, कासा किला, नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सभी पे डिटेल वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। भीमबेटका से 5 किलोमीटर की दूरी पर पिंगावन में 35 शिलाश्रय पाए गए हैं, जो चित्रों से सज्जित है। इन सभी पेंटिंग्स की प्राचीनता 10 से 35,000 वर्ष की आकी गई है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इन पहाड़ों के बीच से नर्मदा रिवर बहती थी, जिसका अनुमान आप यहाँ के पत्थरों के इरोजन से भी लगा सकते हैं। लगातार होने वाली रिवर के बहाव की वजह से यहाँ के पत्थरों पर नेचुरल कटाव आया है, जो बहुत ही सुंदर है। इस लॉक शटर की खास बात यह है कि इसके अंदर तेज बारिश का पानी भी नहीं आ सकता, और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये पेंटिंग्स काफी क्लियर और सुंदर दिखाई देती है, और इनमें लगे हुए कलर भी अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आदिमानव काल में यहाँ के आदिमानव इन्हीं रॉक शेल्टर के अंदर अपना गुजर बसर करते थे और रॉक्स पर पेंटिंग किया करते। वो रोजमर्रा की जिंदगी में घटित और देखी गई चीजों को इन पत्थरों पर पेंट कर देते थे। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे रॉक शेल्टर है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग की गई है, जो आज देखने से पता चलता है कि बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी है। भीमबेटका पहुंचना बहुत ही आसान है। आप भोपाल बाय बस, ट्रेन, फ्लाइट से आसानी से पहुंच सकते हैं, और भोपाल से बाय बस, कैब और लोकल टैक्सी से भीमबेटका तक पहुंच सकते हैं। भारतीय हमेशा से ही फॉरेन कंट्रीज में बने मॉन्यूमेंट और वास्तु को श्रेष्ठ मानते हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, पर भीमबेटका जैसे प्राचीन भारतीय स्थल को देखने के बाद ये पक्का है कि हम भारतीय प्राचीन कला और बिल्डिंग टेक्निक में दुनिया में सबसे बेहतर। हमें भीमबेटका जैसे स्थान पर अपनी फैमिली के साथ जरूर देखना जाना चाहिए और हमको इस बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज को
सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांच भरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।